71 केसेस रजिस्टर हुए हैं, 85 पर्संस अरेस्ट हुए हैं, डिफरेंट कंट्राबैंड्स सीज की है जिसमें प्राइमरली हीरोइन है। डिस्ट्रिक्ट में 14 ऐसी लोकेशंस हैं जिनको चिन्हित किया है ड्रग हॉटस्पॉट्स। उन ड्रग हॉटस्पॉट्स में इस साल 85 डेट्स हुए हैं। इन जगहों पे पुलिस की प्रेजेंस बढ़ाई गई है। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच है उसके जो ऑफिशियल्स हैं उनकी भी सर्विलेंस इन हॉटस्पॉट एरियाज में बढ़ाई गई है। साथ में ही जो लोग इन एरियाओं में से मुलविस पाए गए हैं जिसमें 2 से ज़्यादा FIR इनके खिलाफ रजिस्टर हुई हैं उनको हमने पिट एंड पीएस के तहत डिटेन किया है। अगर मैं डाटा पे नज़र डालूं तो पिछले 3 महीने में 13 पैडलर को पिट एंड पीएस के तहत डिटेन किया है। अगर इसका कंपैरिजन हम पिछले साल के साथ करें तो पूरे साल में 24 पैडलर्स को डिटेन किया गया था। ड्रग्स को जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल करने के लिए जम्मू पुलिस की 2-प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है। सबसे पहले अवेयरनेस जनरेट करना समाज में, इसके लिए अलग अलग ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए गए, एंटी ड्रग्स रैलीज की गई। देखो इलेक्शन के दौरान जो है हमारी जो मैन पावर है अलग अलग टीम्स बनी हैं, चाहे वो स्टैटिक सर्विलेंस टीम है, फ्लाइंग स्क्वाड टीम है, और जो हमारे नाकास हैं रूटीन नाकास डिस्ट्रिक्ट में उनके ऊपर भी एडिशनल मैन पावर डिप्लाई की गई है। इसके साथ ही हम जो है सरप्राइज और रैंडम नाकास लगाते हैं। जो हमारे नोन पैडलर्स हैं जो पास्ट में जो पैडलिंग में इन्वॉल्व रहे हैं उनको भी हम जो है टेक्निकल सर्विलेंस पे ले रहे हैं। साथ में जो हमारे सोर्सेज हैं पूर्ण सोर्सेज उनको भी हमने ये एक्टिवेट किया है। तो इलेक्शन के दौरान जैसे मैं आपको बताऊं कि जो इलेक्शन के दौरान ज़्यादा पुलिस की प्रेजेंस होने से जो सीजर भी जो है हमारा जो है डे बाई डे जो है बढ़ रहा है।